18.5.2 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। बढ़ती प्रौद्योगिकी के कारण हमारी ऊर्जा की मांग में भी लगातार वृद्धि हो रही है। आवश्यक है कि हम उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों के अधिक दक्ष उपयोग के लिए नई तकनीकें ढूंढते रहें और नए स्रोतों की भी खोज जारी रखें। पहला, सौर ऊर्जा। भारत एक भाग्यशाली देश है क्योंकि वर्ष के अधिकांश दिनों में हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा का अर्थ धरती पर पड़ रहे सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से है। सूर्य ऊर्जा का विशाल स्रोत है। सूर्य ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से भिन्न है। सौर ऊर्जा के तत्काल रूपांतरण द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। सौर तापन युक्तियां, सोलर हीटिंग डिवाइसेस, वे युक्तियां जिनमें सौर ऊर्जा का अधिकाधिक संग्रह किया जा सके सौर तापन युक्तियां कहलाती हैं। क्रियाविधि। दो शंक्वाकार फ्लास्क लीजिए, इनमें से एक को काला तथा दूसरे को सफ़ेद पेंट से पोतिए। इन शंक्वाकार फ्लास्कों को जल से भरकर 1 से 1.5 घंटे तक सीधे धूप में रखिए। दोनों फ्लास्कों को स्पर्श कीजिए, इनमें कौन ज़्यादा तप्त है? आप इन दोनों फ्लास्कों के जल का ताप तापमापी द्वारा भी माप सकते हैं। क्या आप कोई ऐसा उपाय सोच सकते हैं जिसके द्वारा इस ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकें? सोलर कुकर। सोलर कुकर एक युक्ति है जिसे सूर्य द्वारा विकिरित ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करके खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर एक रोधी धातु या लकड़ी के बक्से का बना होता है जो भीतर से पूर्णतः काले रंग का होता है। पकाए जाने वाले भोजन को धातु पात्रों में रखते हैं जो बाहर से काले रंग के होते हैं। तत्पश्चात धातु पात्रों को सौर कुकर बक्से के अंदर रखते हैं और कांच शीट से ढक देते हैं। एक बार सूर्य की ऊष्मा किरणें कुकर बक्से में प्रवेश कर जाती हैं तो कांच का ढक्कन उन्हें वापस बाहर जाने नहीं देता है। इस तरह सूर्य के अधिकाधिक ऊष्मा किरणें बक्से में रोक ली जाती हैं, जिसके कारण सौर कुकर बक्से में तापमान 2 से 3 घंटे में ही लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है। यह ऊष्मा काले पात्रों में रखी भोजन सामग्रियों जैसे चावल, दालों और सब्जियों को पकाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सौर सेल, सोलर सेल। यह सरलता से देखा जा सकता है कि ये युक्तियां दिन के कुछ निश्चित समयों पर ही उपयोगी होती हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तत्काल रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी सौर सेल से 0.5 से 1.0 वोल्ट तक वोल्टता विकसित होती है तथा लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। चित्र 6, जिनसे व्यवहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत प्राप्त हो जाती है। सौर सेलों में कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता। इनका रखरखाव सस्ता है तथा ये बिना किसी फोक्सन युक्ति के काफी संतोषजनक कार्य करते हैं। सौर सेलों के उपयोग करने का एक अन्य लाभ यह है कि इन्हें सुदूर तथा अगम्य स्थानों में स्थापित किया जा सकता है, जहां विद्युत संचरण के लिए केबल बिछाना अत्यंत खर्चीला तथा व्यापारिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु सौर सेलों को बनाने में उपयोग होने वाले विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। सौर सेलों के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया अभी भी बहुत महंगी है। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में सिल्वर, चांदी का उपयोग होता है, जिसके कारण लागत में और वृद्धि हो जाती है। उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी सौर सेलों का उपयोग बहुत से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्रों अथवा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग किए जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नलों, परिकल्पों तथा बहुत से खिलौनों में
सौर सेल लगे होते हैं। सौर सेल पैनल विशिष्ट रूप से डिज़ाइन की गई छतों पर स्थापित किए जाते हैं ताकि इन पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा आपतित हो, लेकिन अत्यधिक महंगा होने के कारण सौर सेलों का घरेलू उपयोग अभी तक सीमित है। दूसरा, समुद्रों से ऊर्जा। समुद्रों से ऊर्जा तीन प्रकार की होती है, ज्वारी ऊर्जा टाइडल एनर्जी, तरंग ऊर्जा वेव एनर्जी, महासागरीय तापी ऊर्जा ओशियन थर्मल एनर्जी। अ ज्वारी ऊर्जा, घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता व गिरता रहता है। ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारी ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारी ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। ब तरंग ऊर्जा, इसी प्रकार समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसी ढंग से संग्रहित किया जा सकता है। तरंग ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। स महासागरीय तापी ऊर्जा, समुद्रों अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापी ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट या OTEC विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तीसरा, भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी, भौमिकी परिवर्तनों के कारण भूपॉपर्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टाने ऊपर धकेल दी जाती हैं, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। इन निकास मार्गों को गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। कभी कभी यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है, जहां इसका दाब अत्यधिक हो जाता है। तप्त स्थलों तक पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है। उच्च दाब पर निकली यह भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत उत्पादन करते हैं। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है, परंतु ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहां व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का दोहन कराना व्यावहारिक है। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं।